मैं बस ये दिखाऊंगी कि एनुअल पेपर्स को आप लोग एलएमएस में कैसे अपलोड करोगे, और हर रोज हम परसों से हर रोज हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि एनुअल पेपर्स आप लोग कैसे अपलोड करोगे। जैसे मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, तो आप लोग कैसे उसमें, गुड मॉर्निंग बच्चे, सो आप लोग वो एलएमएस में कैसे आप लोग अपलोड करोगे मैं ये बताऊंगी। सो आप लोगों के पास, सभी के पास एलएमएस ऐप होगा ना मैम, सभी के पास एलएमएस ऐप होगा मोबाइल में, उसमें से आपको एग्जाम पेपर को कैसे अपलोड करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे वीडियो है, और कोई अपना माइक्स को ऑन नहीं करोगे क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, वीडियो ब्रेक हो जाए। जस्ट अ मिनट, तो ऑलरेडी ये ऑन करके रखी। आप लोगों का एडमिशन जो नंबर जो है वो आपका आईडी है, और पासवर्ड 1 2 3 4 5, और आप लोग चेंज किया होता तो वो आपका क्रेडेंशियल। यहाँ पे देखिए, ये वीडियो में मैं एरो मार्क से दिखा रही हूँ, जो है ये एलएमएस ऐप है, ओके। इसमें क्लिक करना है, इसमें जाना है एग्जाम पेपर अपलोड करने के लिए। पहले आपको ये करना है, आप जो बच्चे, आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा व्हाट्सएप में, उसको देख के पूरा कॉपी में आंसर्स लिखना है। पहले उनका नाम लिखना है, क्लास 1 और सब्जेक्ट। लिखने के बाद उस वो पूरा पेजेस को, जो बच्चे आंसर किए है वो पूरा पेजेस को आप लोग पिक्चर्स क्लिक करना है। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद उसको आप कैम स्कैनर में पीडीएफ बना के रखना है, फिर ये खोलना है, ये ऐप को आपको खोलना है, ओके। इसको खोलने के बाद यहाँ पे आपको आइकॉन्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको एलएमएस ऐप को खोलने के बाद यहाँ पे एग्जाम करके दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करना है, एग्जाम में क्लिक करना है। ये एग्जाम में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऐसा दिखेगा, स्टार्ट एग्जाम एंड इंस्ट्रक्शन, ये दोनों दिखेंगे। सो आपको स्टार्ट एग्जाम में क्लिक करना है। स्टार्ट एग्जाम में जैसे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के लिए इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर नेक्स्ट में क्लिक करोगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोग अपलोड आंसर करके आता है, जो अपलोड आंसर में करने के बाद ये ओके डायलॉग आएगा, ओके में क्लिक करोगे। ओके में क्लिक करने के बाद आपका फोन में जहाँ पे आप लोग वो फाइल जो सेव किए होंगे, आपका जो पीडीएफ बनाया वो फाइल को याद से, नेम याद रखना, वो फाइल को आपको क्लिक करना है। जो भी फाइल जो इसमें जो आप क्लिक करके रखोगे, पिक्चर्स पीडीएफ बनाओगे, उसमें एग्जाम सब्जेक्ट करके लिख के रखिए, ताकि आपको वो टाइटल याद रहे। क्योंकि यहाँ पे गलती करेंगे अपलोड करने में तो दूसरे बार अपलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक फाइल को एक ही बार, मतलब एक एग्जाम को आप एक ही बार अपलोड कर पाओगे। सो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वो फाइल को आप मतलब केयरफुल्ली चूज करना है, जो फाइल आपने यहाँ पे सेव किया, पीडीएफ जो बनाया है वो तो ऐसे दिखेगा, और उसका टाइटल आपको देख के वो फाइल के ऊपर क्लिक करना। या तो आप इंटरनल में सेव किए, कहीं पे भी सेव किए तो ये पूरा आप सर्च करके वो फाइल में ही आपको क्लिक करना है, कहीं से भी। सो देखिए, मैं एक फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ, इसमें से करने के बाद आपको फिर से ओके या कैंसल आएगा, फिर ओके करने के बाद फाइल आपका अपलोड हो जाएगा। थोड़ी टाइम लगेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दी से रिफ्रेश नहीं करना है, ये फाइल अपलोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा पूरा फाइल अपलोड होने के बाद सक्सेसफुल करके आपको एक मैसेज आ जाएगा। सो ये है आप लोगों का एग्जाम, ओके। ये लास्ट तक थोड़ा सा ये फाइल पूरा अपलोड होगा, तो अपलोड होने के बाद सक्सेसफुली करके ओके करके फिर आप बंद कर सकते, ऐसे आप लोगों का एग्जाम सबमिट करना है, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अपलोड योर एग्जाम पेपर्स। सो आप लोगों को, सभी को समझ में आ गया होगा, एग्जाम फर्स्ट एलएमएस ऐप में जाना है, एलएमएस ऐप में आप लोग ऑलरेडी साइन इन होंगे, एग्जाम करके आपको आइकॉन दिखेगा, एग्जाम में पहले आप पीडीएफ बना के रखना है, जो बच्चे लिख के रखते हैं पीडीएफ बना के उसका टाइटल दे के रखना, वो टाइटल याद रखना, नहीं तो दूसरे फाइल अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपका एग्जाम पेपर को ही अपलोड करना है, क्योंकि एक ही बार अपलोड होता है, वो दूसरी बार अपलोड नहीं लेती, एक ही बार एग्जाम सबमिशन होता है।
सो आप एग्जाम में जाके फिर अपलोड फाइल नेक्स्ट में दबाओगे, फिर अपलोड फाइल अपलोड आंसर्स आएगा, फिर वो फाइल को आप अपलोड करोगे, ओके दबाओगे तो वो एग्जाम ऐप में अपलोड हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर डाउनलोड करके उसको चेक करके फिर हम अपलोड करेंगे, फिर आप लोग एग्जाम में आप देख सकते हो। ऐसा आपका एनुअल एग्जाम होगा। पेपर तो आपका व्हाट्सएप में ही आएगा, पेपर आप लोगों का व्हाट्सएप में आएगा, आप लोग पूरा लिखो, बच्चे लिखेगा, लिखने के बाद पीडीएफ बना के आप इसमें अपलोड कर। और किसी को इसमें डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क मी इफ एनी।